अगस्त महीने तक पहले जैसी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सेवाओं के संचालन पर रोक लगाई है। कैंसिल हुए टिकट के लिए रेलवे फुल रिफंड भी देगा। ट्रेनों के लिए बुक की गई सभी ट्रेन टिकटों को रद्द करने की घोषणा की। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भारतीय रेलवे ने अगस्त महीने तक पहले जैसी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सेवाओं के संचालन पर रोक लगाई है। रेलवे की मेल, एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवाएं 12 अगस्त तक के लिए रद्द रहेगी। इसके साथ ही 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच रेगुलर सेवाओं के लिए बुक किए सभी टिकट रद्द रहेगी। इसी बीच कैंसिल हुए टिकट के लिए रेलवे फुल रिफंड भी देगा। फिलहाल भारतीय रेलवे 230 विशेष ट्रेनों का संचालन कर रही है। वहीं रेलवे मंत्रालय ने इस बात को भी दोहराया कि यदि मांग बढ़ती है तो और स्पेशल ट्रेन को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले रेलवे ने मंगलवार को 14 अप्रैल या उससे पहले नियमित ट्रेनों के लिए बुक की गई सभी ट्रेन टिकटों को रद्द करने की घोषणा की और कहा है कि टिकटों का रिफंड भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि आप रिफंड के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। PRS काउंटर टिकट के लिए यात्री यात्रा के तारीख के 6 महीने तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपका टिकट ऑटोमेटिकली वापस कर दिया जाएगा। अगर ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है और यात्री यात्रा नहीं करना चाहता तो भारतीय रेलवे कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र एक विशेष मामले के रूप में रिजर्व टिकटों की पूरी राशि आपको वापस कर देगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।